के मेरे वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को रिक्वेस्ट है मेरी कि ये कोरोना काल दोबारा पिकअप ले रहा है, तो हो सके उतना आप ख्याल रखें, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, हो सके तो बाहर ही नहीं निकले, आवश्यकता नहीं है तो नहीं निकले, गवर्नमेंट जो सूचना देती है उसका पालन करें। और यदि आपकी एज है जैसे मेरी 61, तो मैंने कोरोना वैक्सीन ले लिया है, ये समझो 12 दिन हो गए मैंने वैक्सीन लिया, उसको मुझे बुखार आ गया था वैक्सीन के बाद, लेकिन वो भी चला जाता है, आता है, एक दिन आ जाए, दो घंटे आ जाए, लेकिन हम वैक्सीन के लेने से हम कोरोना से फाइट भी कर सकते हैं। फिर भी सावधानी तो रखनी ही है, भले वैक्सीनेशन किया, हो सके उतना ध्यान रखो। तो वैक्सीनेशन से हमारे पूरे फैमिली को भी सलामती मिलती है। अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि 60 से कम आयु वाले 40-45 जो भी करें, उस एज में आप आ गए हैं तो वैक्सीनेशन करवा ही लीजिए, वो ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट इतना हमारे पीछे खर्चा करती है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने लिया है तो उसमें 250 खर्चा है, जो पहुंच सके वो हो सके तो प्राइवेट अस्पताल में ही ले, क्योंकि उस उतना गवर्नमेंट को बर्डन कम हो गए। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो भले गवर्नमेंट के जो स्टॉल है वहाँ वैक्सीनेशन करवाए, है कैपेसिटी तो प्राइवेट में ही करवाए, ताकि गवर्नमेंट को भी इतना कम खर्चा लगे, हम एक टाइप से गवर्नमेंट को इतना मदद कर सकें। हमारे यहाँ रहने वाले भाई 10 दिन से बाहर है, छुट्टी पे है, और टेम्परेरी कोई नहीं मिला उसकी अवेजी में, तो ये सब काम खुद करना पड़ रहा है, जैसे गोबर उठाना, क्लीनिंग का सब, बर्तन धोना, वो मिल्क वाले जो बर्तन होते हैं वो धोना, और ये गायों के लिए हरा चारा कटिंग करना, ये दूसरा कट आया है बाजरी का, केला हमने खिला दिया, केला कटिंग थोड़ी छोटी सी तब ले लिया था, अब दूसरा कट में हाइट आ गई है। वो करीबन जो यहाँ रहने वाला है वो अभी 10 दिन नहीं आने वाला, तब तक ये सब काम खुद ही करना पड़ेगा। 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि बाजरी का कटिंग लिया हुआ दोबारा निकल रही है, वो कितनी छोटी थी और ये 10 दिन में इतनी हाइट पकड़ ली। वो 10 दिन में हमने 2 दफ़ा पानी छोड़ा, अभी 3 दिन हुआ पानी लास्ट पिलाया उसको, पानी पिला के तुरंत हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जड़ें भी निकल जाए, इसलिए 1-2 दिन जाना देने पड़े पानी पिलाने के बाद। वो मैंने जुवार भी दिखाया था बोया, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे निकल गई है। तकरीबन एक चारा हर रोज खत्म करना पड़ेगा, तो एक चारे में से काफ़ी सारा चारा मिलेगा हमको गायों के लिए, तो एक चारे से काम चल जाएगा, क्योंकि इतना चारा होता है एक चारे में। वैसे है ये रचका बाजरी बोलते हैं, लेकिन ये हाइट इतनी 3-3.5 फीट की हो गई है, कहीं कहीं जगह पे थोड़ी कम है, लेकिन ज़्यादातर हाइट पकड़ लिया है।
और इसकी डूंडी भी निकल रही है सीड वाला भाग। हमको वो सीड पकाना ही नहीं है, खिला ही देने का है गायों को। इसको करीबन 6-7 कटिंग आता है और ये 10-12 दिन में इतना अच्छा कटिंग हो जाए वो तो मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा अच्छा हुआ है। क्योंकि एक जो हमने गायों के गोबर इसमें डाला था वो मेन बात है कि गायों के गोबर से इतना अच्छा चारा बन सकता है। जैसे कई लोग यूरिया डालते हैं, कोई कोई खासकर एक ही नाम मुझे आता है यूरिया का, कई लोग बोलते हैं इसलिए, लेकिन कई अच्छे खासकर आते होंगे कि पानी छोड़ने के बाद 2-3 दिन बाद ही कटिंग करने का, वरना ऐसा हो जाता है। तो क्या है, जहाँ से ये निकल गया जड़ समेत वहाँ जगह पड़ी रहेगी, प्याज की नई सीजन आती है उसके पहले पुरानी जो प्याज है अगले साल की वो बिगड़ने लगती है, उसमें से पानी छूटने लगता है, खराब हो जाती है। तो ऐसी खराब हुई प्याज हमने यहाँ इतनी जगह पे बोया था तो उसमें सीड आ गए, ये करीबन 30-35 दिन हुए उसमें सीड लग गए हैं। अभी पकने में टाइम लगेगा, अभी 10-15 दिन शायद, क्योंकि अभी वो नाजुक तबके में है, क्योंकि अमुक अमुक तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन फिर भी सीड अब सब में आ जाएंगे। वैसे भी ये प्याज थी भी छोटी छोटी, फिर भी सीड आ गए हैं, आ जाने देते हैं, पक जाने देते हैं, फिर ले लेंगे। ये जो ज्वार 10 दिन पहले बोया था उसको मैंने बताया था, वो ऊपर दाने कोई कोई रह गए थे तो पानी छोड़ दिया हमने, अभी दोबारा पानी छोड़ने की ज़रूरत अभी तो नहीं लगती, अभी 3-4 दिन के बाद शायद छोड़ना पड़े। लेकिन ये भी बहुत अच्छी निकली है, ये देखो ये हमारी पालिया, ये पीकॉक ने कई जगह पे ऐसे रोंद डाला है दाने निकालने के लिए उसके पैरों से, तो इतनी जगह में दाने भी नहीं निकले, निकले हैं फिर भी ये ऐसे है, जड़ें दिख रही है क्योंकि इसमें से मिट्टी निकाल दिया, जहाँ नहीं निकाला वहाँ अच्छे से निकल गई है, ज्वार निकाला है वहाँ दाना उसने चुन लिया। ये कई जगह पे ऐसे पालिया को फेंद डाला है, फिर भी अब नहीं आते, अब फेंदते भी नहीं है क्योंकि उसको भी पता है अब दाना नहीं रहा, तो हमसे ज़्यादा उसको भी समझ है तो इसमें से अब दाने मिलने वाले नहीं है, अब नहीं आते, आते हैं लेकिन इसमें घूमते रहते हैं। अभी एक वहाँ था हमको देखा तो भाग गया, अंदर छुप गया है वो पंजाबी घास में, ये गीली मिट्टी में हमने लगाया था, फिर भी दाने ऊपर रह गए तो हमने पानी छोड़ा और वो बाजू में है वो ड्राई मिट्टी में ही लगाया था और उसके बाद पानी छोड़ा क्योंकि उसको पानी छोड़ना ही था, हमको पहले ही लगा दिया था ड्राई में और इसमें पानी छोड़ के लगाया था, लेकिन दोनों में कोई हाइट में भी फर्क नहीं है, एक जैसा ही निकला है, ये भी ज्वार ही है और उधर बाजरी है, ये 3-4 ही इसमें ज्वार के हैं क्योंकि बाजरी का सीड थोड़ा कम था। देखो ये पालिया देखो, ये पीकॉक ने इसमें से दाने निकाल लिए, लेकिन यहाँ काफ़ी है, पहले पाली हमें से निकाल लिया, फिर भी चारा तो बहुत होगा,
ये बाजरी है, देखो इसमें फर्क देखो आप, इसमें पानी को कुछ नहीं किया, ठीक हो गया। ये ज्वार के दाने थोड़े बड़े होते हैं तो वो आसानी से ले सकते हैं, जैसे मक्की के इससे बड़े होते हैं तो वो सुअर ले लेते हैं, ज्वार के दाने पिटोक ले लेते हैं, इसमें से कुछ नहीं किया। ये बाजरी है क्योंकि इसके दाने इतने बारीक होते हैं तो उसमें मेहनत नहीं करते, आसानी से मिल जाए वैसा ही वो दाने चुनते हैं। ये बाजरी का पालिया छोड़ के ज्वार में देखो तो तुरंत उसमें फेंक डाले है अपने पाँव से नाखून से। ये मेरे वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को रिक्वेस्ट है मेरी कि ये कोरोना काल दोबारा पिकअप ले रहा है तो हो सके उतना आप ख्याल रखें, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, हो सके तो बाहर ही नहीं निकले, आवश्यकता नहीं है तो नहीं निकले, गवर्नमेंट जो सूचना देती है उसका पालन करें। और यदि आपकी एज है जैसे मेरी 61, तो मैंने कोरोना वैक्सीन ले लिया है, ये समझो 12 दिन हो गए मैंने वैक्सीन लिया, उसको मुझे बुखार आ गया था वैक्सीन के बाद, लेकिन वो भी चला जाता है, आता है, एक दिन आ जाए, दो घंटे आ जाए, लेकिन हम वैक्सीन के लेने से हम कोरोना से फाइट भी कर सकते हैं। फिर भी सावधानी तो रखनी ही, भले वैक्सीनेशन किया हो सके उतना ध्यान रखो। तो वैक्सीनेशन से हमारे पूरे फैमिली को भी सलामती मिलती है। अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि 60 से कम आयु वाले 40-45 जो भी करें उस एज में आप आ गए हैं तो वैक्सीनेशन करवा ही लीजिए, वो ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इतना हमारे पीछे खर्चा करती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने लिया है तो उसमें 250 खर्चा है, जो पहुंच सके वो हो सके तो प्राइवेट अस्पताल में ही ले, क्योंकि उस उतना गवर्नमेंट को बर्डन कम हो गए। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो भले गवर्नमेंट के जो स्टॉल है वहाँ वैक्सीनेशन करवाए, है कैपेसिटी तो प्राइवेट में ही करवाए ताकि गवर्नमेंट को भी इतना कम खर्चा लगे, हम एक टाइप से गवर्नमेंट को इतना मदद कर सकें। तो ये वीडियो मैं यहाँ पूरा करता हूँ, मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ।